Good morning, students, and welcome back. Today we are here with the next video, and in this video we are going to do our composition parts topic, and this topic is knot making. And in this this is very important, and it will contain 8 marks in our paper. So this is knot making, और ये knot making जो है वो एक important topic है, important part है हमारे paper में. और ये नॉट मेकिंग हमें अच्छे से करना है. अगर जब हम ये नॉट मेकिंग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हम बात करें तो पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे याद करने वाली बातें, जो नॉट करने वाली बातें हैं नॉट मेकिंग में, या जो हम अप्लाई करेंगे जब हम नॉट मेकिंग करेंगे, वो सभी बातें हम यहाँ पे है ना एक बार देखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट जो है हमारा वो है ये कि सबसे पहले हमने किसी भी जो भी पैसेज गिवन है उस पैसेज को रीड करना है. उस पैसेज को हमने रीड करना है, और रीड करके उस पैसेज को हमने क्या उसको ध्यान से पढ़ना है. जो पैसेज दिया होगा उस दिए हुए पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे. अब अगर एक और भी चॉइस हमारे पास हो सकती है, और वो ये है कि जब हम पैसेज को रीड कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपनी पेंसिल को साथ रखें, ताकि जो भी पॉइंट हमें लग रहे हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो हम उनको अंडरलाइन करते रहें. और जब वो हम उसको आगे लेके चलेंगे कि जब हम उसको नोट बनाने लगेंगे, तो वो ईजिली हम उनको ही फोकस कर सकें जो हमने पेंसिल से अंडरलाइन किए थे. द फर्स्ट थिंग, तो पहली चीज है कि हमने पैसेज को रीड करना है. दूसरी चीज है कि हमने पैसेज को रीड किया, रीड करने के बाद हम उसे एक सुटेबल टाइटल देंगे. और जब उसको टाइटल दे दिया, क्योंकि हमने पैसेज को पढ़ा है, पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि पैसेज जो है वो किस बारे में है, तो हम उसे एक टाइटल दे देंगे. तो फिर टाइटल देने के बाद फिर हम करेंगे कि सिलेक्ट ओनली द रिलेवेंट डाटा एंड इंक्लूड द एसेंशियल फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज. और जब हम इसकी नोट मेकिंग करने जा रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो रिलेवेंट डाटा को ही हम उस नोट मेकिंग में इंक्लूड करेंगे, और उसके जो एसेंशियल फ्रेजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस में लिखना है उसको हमने, पूरे सेंटेंस में नहीं लिखना है, पूरे लाइन में नहीं लिखना है, जस्ट ओनली वी हैव टू यूज फ्रेजेस. Yes, you. Okay, आगे भी हम चलेंगे फिर आगे. And try to use a minimum amount of words. कि हमने कम से कम words का use करना है. Complete sentence would not be accepted as knots. Okay, अगर आप complete sentence लिख रहे हैं और उस sentence में आप सभी का use कर रहे हैं, noun, pronoun, adjective, verb, main verb, जो भी है, उसका हम सब का use कर रहे हैं, तो वो accept नहीं होता है, वो गलत हो जाता है. So thus the usage of full sentences must be avoided. Only really important examples need to be included. Eliminate, हमने हटाना है the use of auxiliary verbs, prepositions, conjunctions, aids. तो ये जो चीजें हैं इनका यूज हमें mostly नहीं करना है, इन चीजों को हमने हटाना है. And we have to use only phrases, और वो भी short form में, वो भी उसमें भी abbreviations रहेंगी. And it is necessary to give a suitable title to knots. कि जो knots हम बनाने जा रहे हैं उन knots को हम एक suitable title भी दे दें. फिर आगे हम बात करें कि इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी हो जाता है, टू मेक एट लिस्ट 4 हेडिंग एंड सब हेडिंग्स. कि हम 4 हेडिंग और उसकी सब हेडिंग्स बनाएं, कम से कम 4, मिनिमम 6-7 कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा नहीं करेंगे उसमें. मिनिमम और मैक्सिमम को हम 4 या 5 में तक ही सीमित रखेंगे. तो अब जो हेडिंग है वो हेडिंग हो जाए 4, और सब हेडिंग है वो 3 से ज़्यादा ना हो. जो सब हेडिंग है उसके फॉर्मेट हम आगे दिखाएंगे आपको, बात करेंगे उसके बारे में भी. यस यू, सो इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ की ऑफ एब्रीवेशन, की टू एब्रीवेशन, हमें एब्रीवेशन बनानी है. एंड इन क्लॉज इट विद इन अ बॉक्स, और उन एब्रीवेशन को हमने एक बॉक्स में बंद कर देना है, और हम याद रखें या फोकस करें कि हमारे वो बॉक्स जो बना रहे हैं हम, जिसमें हमने एब्रीवेशन को रखा है, वो हमारे राइट हैंड पे आ जाए. यस, जो 5 एब्रीवेशन, मिनिमम 5 हमने बनानी है, मैक्सिमम जो है 6-7 हो सकती है. सो नेक्स्ट वन इज द समरी शुड बी ब्रीफ. और जो फिर उसके बाद जब हम ये काम कर लेते हैं, नोट मेकिंग हो जाती है, तो फिर हम लिखते हैं समरी.
और जो समरी होती है, समरी में हमने सब कुछ फॉलो करना होता है। हमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। सो समरी शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी मेड यूजिंग नोट्स प्रिपेयर, कि जो नोट्स हमने बनाए थे उन्हीं नोट्स के बिहाफ पे हम समरी लिखेंगे। नोट्स में हमने ग्रामर का यूज नहीं किया था, बट यहाँ पे जब हम समरी लिखने जा रहे हैं उन्हीं नोट्स को हमने डिस्क्राइब करके लिखना है, और वो भी ज़्यादा लेंथी ना लिखें। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वन कीप्स इन माइंड द वर्ड लिमिट ऑफ द समरी एंड स्ट्रिक्टली अडेयर्स टू द नोट्स। सो इट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड एट लीस्ट 4 एब्रिवेशंस इन वन योर नोट्स एंड ए फुल स्टॉप आफ्टर ईच एब्रिवेशंस टू मेक इट क्लियर फॉर द रीडर। दे शुड बी कॉमन एंड इजिली आइडेंटिफिएबल। फॉर एग्जाम्पल्स, कार्ब्स मीन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। सो अब यहाँ पे हम बात कर लें, उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी, तो इसको मैं यहाँ से हटा के इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा। तो उससे पहले हम बात करेंगे जो हमारा ये वाला टॉपिक है, यानी कि फॉर्मेट क्या होगा हमारे इस नोट मेकिंग का, वो फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट की जो बात है वो ये है, देखिए क्या है कि पहले हमने टाइटल देना है। सपोज कीजिए कि हम कोरोना वायरस के बारे में लिख रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में एक पैसेज गिवन है, तो उस पैसेज का को हमने रीड किया। रीड करने के बाद हमने उसको टाइटल दे दिया, और वो का टाइटल हमारा हो गया कोरोना वायरस, तो फर्स्ट थिंग, और जो कि 1 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर हम नोट्स करेंगे, फॉर्मेट एग्जांपल्स देख गिवन है यहाँ पे, फिर हम उसमें से नोट्स बनाएंगे। जब हमने पैसेज को रीड किया था उस टाइम पे हमने उनको अंडरलाइन कर लिया था। अब पहली चीज है कि हम बात करें, यहाँ पे हेडिंग हमने दे दी। पहली सबसे पहली हेडिंग है कि अब पहली है कि कॉजेज क्या हैं, किसके कॉजेज क्या हैं, कि जो कोरोना वायरस है उसके कॉजेज क्या हैं, किस कारण से वो फैलता है। तो उसको ये कॉजेज हम लिखेंगे, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी, और ये इसके जो कॉजेज हैं उनको हमने 1, 2 और 3 पॉइंट्स में डालना है, तो वो हमारी सब हेडिंग हो जाएंगी। अब तीसरी बात है, अगर ये तो कॉजेज का था, अब अगर हम बात करें कि ये कहाँ से फैला, कैसे फैला, है ना, वो बातें करेंगे कहाँ से निकला, तो उसके बारे में हम दूसरी हेडिंग बना देंगे। तीसरी हेडिंग हम बना देंगे कि भाई ये जो है इसको रोकने के क्या मतलब हो सकते हैं, कैसे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, तो उसके लिए हेडिंग हो जाएंगी ना, मीन क्या है कि इसकी प्रिकॉशंस क्या है, है ना, उसको हम हेडिंग में लिख देंगे, और उसके प्रिकॉशन जो बनेंगी वो उसके नीचे सब हेडिंग्स में आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने किसी भी को लिखना है, और जो हेडिंग एब्रिविएशंस आपने अपनी बना रखी हैं, देखिए हमने कोशिश की है इनको अपने राइट हैंड पे रखने की, तो की टू एब्रिविएशंस, है ना, जो एब्रिविएशंस आपने बनाई, वायरस के लिए हमने बना दिया VRS, कोरोना के लिए हमने बना दिया CRN, तो वो एब्रिविएशंस आप अपने आप बना सकते हैं। और जो हेडिंग और सब हेडिंग आप यूज कर रहे हैं, उन्हीं हेडिंग और सब हेडिंग में जो एब्रिविएशंस आपने बनाई हैं उनको आप सब हेडिंग और हेडिंग में यूज करेंगे। जो भी आपने एब्रिविएशंस यूज किया है उसी एब्रिविएशन को आप हाईलाइट करके लिखेंगे या उसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। सो ये था हमारा नोट मेकिंग का, पर उसके बाद आता है हमारा समरी का। तो देखिए नोट मेकिंग हमारा 5 मार्क्स का है, समरी हमारी 3 मार्क्स की हो जाएगी। तो समरी भी हमने फिर वही जो चीज़ें हमने लिखी थी हमारी हेडिंग में, सब हेडिंग में, उन्हीं को हमने एक्सप्लेन करके समरी में लिख देना है। और समरी में लिख देना है, जो समरी होगी हमारी वो मोर देन 50 वर्ड्स ना रहे, उसको 50 से ज़्यादा वर्ड्स में ना आए, वो 50 वर्ड की लिमिटेड हो, 50 वर्ड तक ही वो लिमिट में रहे। सो ये था हमारा नोट मेकिंग एंड इट विल कंटेन 8 मार्क्स। सो आई होप यू गॉट इट एंड यू विल डू इन योर बुक एंड सम एग्जाम्पल विल बी गिवन टू यू। सो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स यू हैव टू गो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।